अब ऐसे साधक जो कि गृहस्थ हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनके उनको अपने बीवी बच्चों को पालना है, संस्थाओं का किसी संस्था से अगर वो जुड़े हैं तो उनका कार्यभार संभालना है, दिनचर्या पूरी करनी है, लोगों के घर में हवन करना है, अनुष्ठान करने हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो जांच करना, पड़ताल करना कि किस मंत्र से क्या लाभ होते हैं और कितने जाप के बाद, कितनी साधना और हवन के बाद वो फायदे होते हैं, देवताओं के दर्शन प्राप्त करना और फिर उसके बाद वरदान प्राप्त करने के बाद, फिर उसके बाद जब किसी के घर में अगर कोई हवन साधना जब तप किया जाए तो उसके रिजल्ट आए, देवता प्रकट होकर आशीर्वाद दें या इस तरह का कुछ प्रसाद दें, ठीक है ना, तो वो चीज़ होनी चाहिए थी पर हो नहीं पाती है क्योंकि वर्तमान समाज में सभी बिजी हैं। तो किसी ना किसी को तो बहाव से हट के, बहाव से निकल के ये सब करना जरूरी है। देखिए मैं तरीके बता रहा हूं आपको, कीजिए लाभान्वित होइए। अब यहां आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आर्थिक प्रश्न हल होने के लिए कैसे क्या किया जाए, हवन करने की क्या विधि है, कौन सा जाप तप करने की क्या विधि है, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। परंतु अभी आज का ये वीडियो, जैसा कि मैंने बताया कि ये इस बात के लिए है कि आर्थिक प्रश्न हल होने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी कि फाइनेंशियल समस्याएं सॉल्व करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए या धन में वृद्धि हो उसके लिए, हमारे काम बने, व्यापार चले, व्यवसाय अच्छा चले, नौकरी अच्छी चले, उसके लिए क्या करें। तो देखिए सिंपल सी रेमेडीज हैं, मैं आगे चल के और विस्तार से अलग अलग रेमेडीज और बताऊंगा, बट अभी सिंपल सी रेमेडीज ये करके देखिए। आपके सबके घर में कॉपीज उपलब्ध होती हैं, पेन कॉपी, तो किसी भी कलर के पेन से, ब्लू या ब्लैक, आप पहले एक कॉपी का छोटा सा पेज फाड़ लीजिए, एक पर्ची बना लीजिए, फर्रा जिसको बोलते हैं, पहले फाड़ लीजिएगा, उसके बाद उस पर लिखिए मेरे सभी आर्थिक प्रश्न संपूर्णतया हल हों, मेरे सभी आर्थिक प्रश्न संपूर्णतया हल हों, ये एक वाक्य लिखिए। इस वाक्य के शुरू में और लास्ट में आप चाहें तो एक एक डंडा लगा सकते हैं तो थोड़ा रिजल्ट अलग होगा। तो ये वाक्य लिख के दो पर्चियों पे लिख लीजिए, तीन पर्चियों पे लिख लीजिए, एक अपने पर्स में रखिए, एक अपने पूजा स्थान में, घर में जो पूजा स्थान है, मंदिर है, उसमें रखिए, और अगर आपका कोई ऑफिस है, व्यापारिक स्थान है जहाँ से आप बिजनेस करते हैं, एक